सिद्ध सिद्ध पुरुष थे उनके पास गए। बाबा ठाकुर जी ने तो मेरी प्रार्थना स्वीकार की, प्राण प्रतिष्ठा भी ठाकुर जी ने अपने आप में जगा दी, रुई भी ठाकुर जी के श्वास उश्वास से हमने हिलती चलती देखी, फिर भी हृदय में शांति नहीं है, हृदय में तृप्ति नहीं है। महाराज मुझे आप शिष्य रूप में स्वीकार करो। कृष्णदास महाराज ने गौर से देखा, बोले अभी समय नहीं हुआ है, समय होगा मैं स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगा दीक्षा देने को। अभी ये भाई साहब समय नहीं हुआ, इतना सब छोड़ा है, इतना बनाया, अभी भी हमारे लोग भिक्षा ले जाते हैं, मैं खुद तो जाता हूं इधर उधर मांगने, लेकिन मेरी खुद ही तो नहीं गई। लक्ष्मीचंद सेठ को नीचा दिखाने के लिए मुक्तमेबाजी की, मेरा अहम है, इसलिए कृष्णदास महाराज ने मुझे स्वीकार नहीं किया है, मुझे अपना अहम आप ही निकालना पड़ेगा। गए जहां लक्ष्मीचंद सेठ के सदाव्रत वाले नौकर लोगों को देते खिचड़ी चावल, जिसको सूखा चाहिए सूखा बना हुआ चाहिए, वहां जाके लाइन में खड़े हो गए। नौकरों को पता चला, लक्ष्मीचंद सेठ को जाकर बताया, लक्ष्मीचंद सेठ दो थाल नौकरों से लेवा कर आया, लाला बाबू आप हमारे यहाँ भिक्षा करने को, आप हमें हरीफ मानते थे, आज कृपा किया। बोले यही तो मेरी गलती थी, आप मुझे माफ कर दीजिए और मुट्ठी भर अनाज दे दीजिए या तो एक चम्मच भर खिचड़ी दे दीजिए, मैं भिक्षुक हूँ, मैं लाला नहीं हूँ, मैं तो आपके चरणों का दास हूँ। लक्ष्मीचंद का हृदय पानी पानी हो गया, व्रज में रह रहे हैं और दान पुण्य कर रहे हैं तो कुछ तो द्रवित होगा चित्त। लक्ष्मीचंद के सेठ के आंखों से आंसू और लाला बाबू की आंखों से भी झरने, दोनों दो और दो चार आंख, लेकिन एक ही प्रेम प्रकट हुआ। वो उसके चरण पकड़े, वो उसके चरण पकड़े, भगवान की भक्ति अहंता ममता हटाकर अपना रस भर दे, यही तो भगवान की विशेषता, भगवान का स्वभाव है, भगवान का उद्देश्य है। इतने में दौड़ते दौड़ते कृष्णदास गुरु जी आए, लाला 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 बाबू हो गया समय, आ जाओ बेटे दीक्षा ले लो, हाथ पकड़ के ले गए और भगवत प्राप्ति की दीक्षा दी। देखो ये पराया ही अपना, तू तेरा मैं मेरा, जगत में द्वैत का व्यवहार होता है। इस गुफा में रहो, दीक्षा यहां पहुंच जाएगी, और जब तक ईश्वर प्राप्ति पूर्ण नहीं हो तब तक बाहर नहीं निकलना। सातत्य चाहिए साधना में, थोड़ा भजन ध्यान साधन यात्रा की बहुत अच्छा लगा, फिर असाधन करते, इसीलिए लोग पीछे रह जाते। आप सभी का यही हाल है, थोड़ा साधन किया फिर असाधन में लग जाते, झूठ में कपट में बेईमानी में। ईश्वर से दूर ले जाने वाले असाधन है और ईश्वर में ले आने वाले साधन है। ईश्वर में ले आने वाले साधनों का सातत्य हो तो यूं साक्षात्कार होता है। परीक्षित को 7 दिन में हो गया, किसी को 40 दिन में होता है, किसी को 7 साल में होता है, लेकिन सातत्य होना चाहिए। साधन में असाधन ना आने पाए, तुम भलाई ना करो तो बुराई से तो बचो, ईश्वर की तरफ नहीं चलो तो ईश्वर के विपरीत तो मत चलो, तो भी आपका साधन हो जाएगा। कृष्णदास गुरु की कृपा से लाला बाबू मेरे बल से आप मिलोगे, यह मैंने सत्संग में सुना है। जीव के बल से नहीं मिलोगे और जीव पुरुषार्थ छोड़कर बैठ जाए तो भी नहीं मिलोगे। मैं तो यथा योग्य पुरुषार्थ करूंगा, मिलोगे तो आप अपनी कृपा से। सो जाने जासुदेव जनाई, जानत तुम ही हो जाई। तुम जब अपना स्वरूप जताओगे ना, कथा में तो सुना आपका स्वभाव, कथा में तो सुना आपका स्वरूप, कथा में तो सुना आपका गुण, लेकिन आप जब जताओगे ना महाराज, वो घड़िया आए, तड़प हुई और वो एक प्रभात को वो घड़िया आई, ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर, ईश्वर का साक्षात्कार हो गया। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, जो निर्गुण है वही सगुण है और जो सगुण है वही तो निर्गुण है उसके मूल में। जैसे जो पानी है वही तरंग है और जो तरंग है वही पानी है। निराकार ईश्वर अलग है, साकार अलग है, अरे भेद मत करो, साकार ही निराकार है, निराकार ही साकार है। अब आप अभी साकार दिख रहे हो, लेकिन मरने के बाद आप साकार होते क्या?
साकार होते तो मरते समय दिखते, आप निराकार भी हो, शरीर साकार है, आप अभी भी निराकार हो। क्या ख्याल है बाबा लोग? आनंद आ रहा है ना सत्संग? अच्छा ऊंचाई वाला सत्संग है, बाबा लोगों को पसंद पड़ जाए और लग जाए, ऐसा सत्संग है। अगुण ही निगुण, निगुण ही नहीं कछु भेदा, बारी बीच मगाव ही भेदा। अगुण अरूप सगुण सु कैसे, जलते तरंग बिलग नहीं जैसे। ब्राह्मी स्थिति हो गई। अब तो कोई भी आओ, तुम्हारे को ऐसा है ऐसा है, बाबा अंतर्यामी उनके दुख निवारण करे, उनमें भक्ति भरे, ज्ञान भरे, विवेक भरे। धीरे धीरे वृंदावन में मथुरा में कोई भी आए, ओ हो कृष्णदास की गुफा में जो सिद्ध पुरुष है उसके दर्शन नहीं किए तो आप वृंदावन आए क्यों? भीड़ वहां आने लगे। जब अति होती है ना तो आदमी उपराम नहीं होता है। अति भीड़ ने बाबा को उपराम कर दिया। एक रात को 2 बजे वो गुफा छोड़कर किसी अज्ञात जगह जा रहे, तो गिस्त पे निकले हुए पुलिस और मिलिट्री के लोग बाबा का नाम सुना था, बाबा के तरफ आ रहे, किसी ने पहचान लिया कि बाबा तो यहाँ जा रहे। बाबा 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 करके नजीक आए, एक कोई सिपाही के घोड़े के पैर का खुर बाबा के पैर पर लग गया। फिर उस जख्म ने ठीक होने का नाम नहीं लिया। बाबा ने कहा यमुना तट पर ले चलो। बोले बाबा आपके संकल्प से ठाकुर जी के शरीर में गर्मी, आपके संकल्प से ठाकुर जी का श्वासों श्वास चले, और आपके शुभ संकल्प से गुरु जी ने दीक्षा दी और आपको ईश्वर प्राप्ति हुई, फिर ये निगुड़ा जख्म नहीं मिटता और आप शरीर आपका यमुना जी के गोद में, अब आप आखिरी श्वास? बोले पागल हुए हो, ईश्वर प्राप्ति प्रारब्ध मिटाने के लिए नहीं होता है, ईश्वर प्राप्ति प्रारब्ध का प्रभाव मिटाने के लिए होता है। बाहर से पीड़ा है या शरीर मौत के तरफ जा रहा है, भीतर से मैं आनंद स्वरूप हूँ, भगवान के स्वभाव से मेरा स्वभाव, भगवान के रूप से मेरा रूप, भगवान की मैं से मेरी मैं, एकाकार होने की जो शांति है, जो आनंद है, उसके आगे ये पीड़ा क्या माना रखती है? तुमको मेरा शरीर देखता है लेकिन मैं कहाँ हूं? विवेकानंद भी बोलते थे जो मैं आपको देखता हूं मैं उतना नहीं हूं, और कभी मैं भी बोलता हूं जो मैं आपको देख रहा हूं बापूजी बापूजी उतना नहीं हूं मैं। आपको भी जब अनुभव होगा तो आपको भी लगेगा कि ये जो देख रहा है वो आप वो है ही नहीं, ये आप पहले भी नहीं थे, अभी भी नहीं है, बाद में भी नहीं रहेंगे, इसके पहले भी आप थे इस शरीर के पहले, और बचपन में भी आप थे, बचपन का शरीर मर गया बदल गया, किशोर अवस्था आई, जुआनी आई, बुढ़ापा आया, ये सब बदला, फिर भी जो नहीं बदला वो आप हैं, वो आप इन आंखों से नहीं दिखते, फिर भी आपके स्वरूप का नाश नहीं होता है। अपने आप को पहचानो तो तुम्हारी महिमा कितनी ऊंची है। ईश्वर को पहचानो तो भी काम हो जाएगा, अपने को पहचानो तो भी काम हो जाएगा, क्योंकि आप और ईश्वर 2 रूप 4 रूप 1000 रूप में दिखते हैं, लेकिन तत्व से 1000 तरंग है, लेकिन हर तरंग पानी है। ऐसे ही हर जीवात्मा परमात्मा का अमृतमय पुत्र है। सब मम प्रिय, सब मोहि उपजाए, सब मेरे प्यारे हैं, सब मेरे पैदा किए हैं। इसलिए कोई एक दूसरे से नफरत की गांठ ना बांधो। हे प्रभु आनंद दाता, पेम्पलेट जिनको नहीं पढ़ने में आए कभी नहीं मिले, वे हाथ ऊपर।